तो हम यूनिट उठाएंगे आपका मापन, इसको मीजर कहेंगे। मापन के बारे में हमें यह ध्यान देना कि मापन किसे कहते हैं, व्हाट इज मापन। आपने इसका एमबीए का सब्जेक्ट देखा होगा फिजिक्स के मामले में उठा करके कंप्यूटर से या नेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से, तो क्या क्या होता है सब्जेक्ट आपका मालूम ही होगा। तो वैसे मैं बता चुका हूँ कि जनरल फिजिक्स आपको पढ़ना है। जनरल फिजिक्स में आपको तो जनरल फिजिक्स हमें रीड करना है। जनरल फिजिक्स में कुछ भी हम इसका रीड कर सकते हैं। मापन हो गया, मापन के बाद आपका अभी मैंने बताया मापन कैसे माप कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे शॉप जाएंगे, उसको हमें लेना है थ्री दे दीजिए। अब थ्री क्या देना है, थ्री केजी देना है या थ्री मीटर देना है या थ्री लीटर देना है, उसकी यूनिट आपको बोलना है लास्ट में, तभी तो समझ में आएगा। अब अगर आप कहें कि थ्री लीटर से चना दे दीजिए, तो फिर उसकी यूनिट केजी की नहीं है, इसलिए इसमें आपका मास भी होता है, मीटर भी होता है और आपका भार भी होता है, वेट, टाइम भी होता है, समय। इस प्रकार से कई ऐसे क्वांटिटी होती हैं जो कि आपको मापन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है चाल, वेग, त्वरण, औसत त्वरण या विस्थापन, ठीक है, सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये तो आपका पहला चैप्टर के बारे में है। इसके बाद आपका प्रक्षेप गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मतलब हम आपको अगर लिखाना चाहे तो कुछ इसके बारे में लिखेंगे, समझना है ना मुझे। तो ये तो समझ गए ना कि क्या क्या बारे में पूछा जाएगा। शुरू से चलते हैं आपका डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस बोले तो दूरी। अब बहुत छोटी सी डिफिनेशन हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस किसे कहते हैं, कोई बताए, सिर्फ डिफिनेशन पूछ रहे हैं दूरी की। हाँ बेटा, एकांक समय में चली गई चाल को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ना कि दूरी नहीं कहते बेटा। और कोई बताना चाहिए बेटा, सिद्धू हाँ बताइए बेटा। किसी निश्चित बिंदु से किसी दिशा में तय किया गया पथ दूरी का, बिल्कुल राइट सिद्धू। आपने जो बताया बेटा तो चाल की डिफिनेशन बताइए, ठीक है। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, देखिए कोई अभी बाला से आया हुआ है बजरंग विद्यालय, तो जैसे आपका ये होम हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक हमने कोई पॉइंट बी लेट कर लिया एंड यहां पर कोई पॉइंट क्यू लेट कर लिया, राइट। यहां से यहां तक जब आप आए होंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस करके आए होंगे, मान लीजिए 5 किलोमीटर
हालांकि 5 किलोमीटर से नहीं आए होंगे आप, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से आए हैं, तो यहां पर एक निश्चित डिस्टेंस तय करके आप आए। मतलब ये डिफिनेशन हो गई बेटा मार्ग की लंबाई को, ये मार्ग हुआ है ना, जैसे आप घर से आए हैं स्कूल, तो ये मार्ग ना हुआ, रास्ता हुआ। मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ बात आ गई बेटा, आप तो नहीं कोई भूलेगा बेटा डिस्टेंस की डिफिनेशन, कोई भूलेगा नहीं, भूल सकता है, ठीक है। अब अभी आपको मैंने बताया कि उसकी यूनिट जरूर देखना है, उसकी यूनिट कैसे, जैसे आपसे मैंने कहा अभी 3 दे दीजिए या 2 दे दीजिए, तो क्या दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए या 2 किलोग्राम दे दीजिए या 2 मीटर दे दीजिए, तो फिर क्या, इसका यूनिट जरूर बताना है। तो डिस्टेंस की वैसे अगर आपको बहुत दूर नापना है, मापिंग करना है, तो आपका किलोमीटर में चलेगा, या तो फिर छोटा मापना है तो मीटर में चलेगा, और उससे कम मापना है तो फुट में चलता है, या तो उससे कम नापना है तो इसमें चलता है, इंच में चलता है, उसे सेंटीमीटर में चलता है, मिलीमीटर में चलता है, इस प्रकार से माइक्रो में चलेगा, ठीक है, नैनो में चलेगा। तो मतलब इसकी यूनिट देखी जाए अगर आपसे, तो सिर्फ इसकी वैसे आपका 3 पद्धतियां होती है, सिस्टम 3 होता है, एक एसआई सिस्टम होता है, एक आपका एमकेएस सिस्टम होता है, और एक आपका सीजीएस सिस्टम होता है, एक आपका एफपीएस प्रणाली होती है, लेकिन वो हमारी उसमें से हटा दी गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा फुट पाउंड में आता है, तो अब वो नहीं लिया जाता। लेकिन अब यही दोनों प्रचलित हैं, जिसका एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, राइट। दोनों ही सिस्टम में आपका टाइम का मात्रक सेकंड ही होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एमपीएस सिस्टम में डिस्टेंस का जो आपका लिया जाएगा यूनिट, तो क्या होगा बेटा, मीटर होगा ना, होगा ना मीटर। अगर सीजीएस में लिया जाए तो फिर क्या होगा, सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट। तो आप इसकी अगर जो डायमेंशनल देखें, यानी कहते हैं बीमा, तो बीमा अगर देखें तो बीमा बेटा क्या हो जाएगी, एम हो जाएगा। मतलब देखिए डिफिनेशन से आपको ये पता चल गया, उसका यूनिट पता चल गई एंड उसकी डायमेंशनल पता चलते, बीमा पता चलते। इसके बाद आता है आपको दूरी के बाद, इसके दूरी डिस्टेंस समझ में आ गई ना आपको बेटा। अब हम ले लें आपका दूरी के बाद, कुछ ले लीजिए, चाल ले लीजिए या बैग ले लीजिए, जो आप कह रहे थे चाल डिफिनेशन। तो अभी हम आपको विस्थापन बता दे, यही पर यहां से दिखेगा ना, इसमें विस्थापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। साइकिल में आए हैं या पैदल आए हैं, सभी लोग पैदल हैं, कोई साइकिल में आया है? अच्छा, साइकिल आपकी बाहर खड़ी है जी। मैं समझाने का थोड़ा सा तरीका बताने जा रहा हूँ, ना कि मैं साइकिल का एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप समझ जाएं, क्योंकि अगर डिस्टेंस की डिफिनेशन समझी आपने, डिस्टेंस की डिफिनेशन आपने बता दी है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन देखेंगे। अभी आप यहाँ P माना था एंड क्यू माना था, राइट। यहाँ अभी आपने 1 किलोमीटर हुआ था, 1 किलोमीटर यहाँ आपका स्कूल हो गया, ये आपका होम डिस्टेंस। जब आपकी साइकिल यहां आकर खड़ी है, इस टाइम में ऐसे करके इस टाइम में खड़ी है, आप ये बताइए साइकिल का चेहरा किधर साइड है। अब जब यहां से छुट्टी होगी आपकी, तो साइकिल को क्या ऐसे ही चली जाएगी,
आगे तो बाउंड्री वाल है, तो वो कैसे चली जाएगी? जब घर से आप आए हैं तो साइकिल आपकी 1 किलोमीटर तय करके आई है, टोटल लेंथ को साइकिल आपकी 1 किलोमीटर चल के आई है। इसके बाद जब आपका यहां से जाएंगे घर, तो साइकिल को आप मोड़ेंगे, मोड़ करके पुनः ये मार्ग में लाएंगे और मार्ग करके फिर यहां से अगर चढ़ने लायक यहां से होगा, बैठने लायक यहां से होगा, तब यहां से आप बैठेंगे। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी कितनी थी? 1 किलोमीटर थी बेटा। और जो इतनी अतिरिक्त हो गई वो थोड़ा सा ज्यादा होगी, मतलब फाइनल डिस्टेंस एंड इनिशियल डिस्टेंस बोथ डिफरेंट इज द विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया? फिर से समझे, फाइनल डिस्टेंस एंड इनिशियल डिस्टेंस बोथ डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में समझ लीजिए, अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या था, मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब कितनी भी लंबाई हो उससे कोई मतलब नहीं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन अगर आपका यहां पर रहेगा ये आपका मान लीजिए 0.5 आपकी गाड़ी घूमी, या 0.2 ही कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, तो 1 तो पहले से था, 0.2 और इसमें ऐड हो गया, तो लास्ट डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 1.2 हो गई, 1.2 हो गया, और इनिशियल कितनी थी? 1 था। अब दोनों में क्या करना है? डिफरेंस करना है, ये 0.2 आ जाता है। मतलब डिस्टेंस की जो यूनिट बनेगी आपकी, वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बनेगी। जो डिस्टेंस की डायमेंशन बनेगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बनेगी। मतलब इसका भी यूनिट क्या बनेगी? मीटर बनेगी। और डायमेंशनल आपका क्या? एल ही बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा, एल बनेगा, ठीक है। मतलब डायमेंशनल एक नंबर का एक जो 100% पूछा जाता है, देख लीजिएगा पेपर पुराने उठा कर गया। इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं, कंडीशनें क्या होती हैं आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस हमेशा जब टोटल में चलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव में चलती है। कभी ये ना सुना होगा कि वो -2 किलोमीटर गया, -3 किलोमीटर गया, ये हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में रहती है। लेकिन ये विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव में रहता है और आपका निगेटिव भी रहता है, मतलब बोथ दोनों में रहता है, ठीक है। इसलिए ये आपका दोनों में कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया सदिश राशि और अदिश राशि, जिसके सदिश राशि की विषय थोड़ा सा बता दें। वे राशियां जिनमें आपको पता ही होगा, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। और जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण ज्ञान होता है, दिशा ज्ञान नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं लोग? अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि सदिश राशि की पहचानने की थोड़ा सा तरीका बता देता हूं मैं। तरीका क्या है? सिंपल तरीका बता देता हूं। कुछ वैसे तो अपवाद तो पूरे विज्ञान में चलता चलता है और प्योर कुछ नहीं है इस संसार में, सब बनावटी ही है। अभी हम लोग दूध जरूर दूध वाले से लेते हैं कि भैया प्योर देना, लेकिन वो पानी मिला कर ही देना है। तो जैसे जिसमें वाह हो, वाह का मतलब सुनते हैं ना,
ऐसी राशि जिसमें हुआ लिखा हो, मतलब हम लोग इसको जब कॉलेज में पढ़ा करते थे हुआ वकील पढ़ा करते थे, शायद आप भी जानते होंगे, कोई वक पढ़ता है कोई वकील पढ़ता था, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो, शायद आप नहीं पढ़ते ना। तो मतलब ऐसी जिनमें पहचानने का तरीका है बताया देता हूँ मैं आपको, बाकी अपवाद तो सभी में चल रहा है, जो जनरल फिजिक्स की कहानी है वो अलग बात है, ठीक है। तो तात्पर्य यह है जिसमें व होगा वो आपकी सदिश राशियां होंगी, ये समझ लीजिए लगभग लगभग 90% लगभग लगभग 90% मतलब पहचाना नहीं लीजिए। जैसे आपका विस्थापन है तो विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना, कैसे समझ में आया, वा लगा हुआ उसमें देख सकते हैं जिसमें डिफ्यूजन दिखाई गई है सदिश सदिश राशि डिफ्यूजन, उसमें जैसे कि आपका लिखा भी हो होगा विस्थापन। वेग संवेग आवेग बल इसको तत्व किया गया है, तत्व आया है तो बल भी आपका क्या है सदिश राशि है, ठीक है। अब जिसमें हुआ नहीं होगा उस लोग क्या कहलाएंगे आपकी अदिश राशि कहलाएंगे। ये लगभग लगभग मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है और अपवाद तो कुछ ना कुछ होते हैं। अब आप कहेंगे कि वैद्युत भी भव लेकिन ये अदिश राशि है, आप कहें आपको कहा था कि जिसमें हुआ होगा तो वो अदिश राशि होगी, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ आपके क्या होते हैं अपवाद होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, नोट करने की जरूरत तो है नहीं, आप सब समझदार है, चलते जाइए। आप चलते हैं आप लोग क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल की डिफिनेशन तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये आपका यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है इसकी जो डायमेंशनल क्या बनेगा मतलब बताइए एल स्क्वायर बनेगा। अभी यदि कोई पढ़ के भी आया होगा इंटर रिसीवर्स पास किया होगा किसी ने या इंटर कर चुका होगा तो आपको लग लेना चाहिए, जनरल फिजिक्स से अभी शायद माचा नहीं आ रही है आपको, इसलिए चूंकि ये पढ़ के आए हैं तो जो पढ़ा होता है जो कहानी सुनी होती है ना वो बड़े चाव से नहीं सुनी जाती है। फिल्म की स्टोरी जब पहली बार फिल्म देख रहे होंगे ना तो बहुत अच्छे से देखेंगे, अगर उसी को एक बार आप देख चुके होंगे तो आपका भाई ना देखा होगा अरे आगे बढ़ाओ इसकी करवाओ और ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो मतलब आप जो है इसको पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा मजा नहीं आया, और जो चीज इतना पढ़ी होगी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े, मैं आगे तो वहीं तक ले जा रहा हूँ आपको, हम तो इसलिए बेस से उठा रहे हैं कि शायद कोई बच्चा ऐसा होता है कि नहीं पढ़ने को पाता है, तभी तो यह होते योजना लागू की गई फिर याद। अब आता है आपका आयतन, क्या होता है बेटा आयतन, आयतन की डिफिनेशन कोई बताएगा, लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के गुणनफल को क्या कहते हैं आयतन कहते हैं, तो आयतन की क्या बन जाएगी बेटा एल क्यूब, वेरी गुड ठीक है राइट। अब आ जाता है आपका चाल या वेग, वेलोसिटी या स्पीड, दोनों की डिफिनेशन एक ही नहीं रहती है, नोट रखें तो बताएं चाल की डिफिनेशन बताइए, किसी वस्तु का एक आधे काम समय में रहती है दूसरी को वस्तु की चाल रहती है, और वेग की जब भी बताएं आप तो खड़े होकर बताएं जिससे से ये पता चल जाता है कि ये लड़का खड़ा हुआ तो बाकी नहीं बताएंगे, ठीक है। चाल की एक बार बताएं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं,
दूरी और समय के अनुपात को चंद कहते हैं। छोटी सी अभी मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यही कहना चाहते हैं, अभी पिछले मैं सबको नोट करवा रहा था, समझा रहे थे तो आप समझ नहीं रहे थे, और अभी बैठने के लिए नहीं पा रहा खड़े। इसकी डिवीजन होती है विस्थापन बटे समय, ठीक है। और पीछे वाले भैया शायद गलत बता रहे थे, चाल बताया था ठीक है, लेकिन डेट की आप गलत बता रहे हैं। चाल की बताया, चाल की पूछ चुके थे हम, चाल की तो हमारे पता है छोटी। अच्छा बेग की बताएंगे कोई, हाथ स्टैंड करें, छोटी सी परिभाषा पूछ रहे हैं, मतलब हम ये पता करना चाहते हैं आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो हम बताएंगे ना आपको। हाँ बताएंगे, विस्थापन समय के अनुपात का ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुपात नहीं जोड़ा जाता है। कौन बेटा क्या नाम होगा अपना, खड़े होकर बताइए विकल्प, एक बार और बता दीजिए सबके, सबको सुनाई दे रहे हैं। चाल की किसी वस्तु द्वारा एकांश में निर्धारित है कि दूरी को वस्तु की चाल, राइट, वेरी गुड। आप इसी को विस्थापन बता दीजिएगा, वो वेग बता दीजिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को चलिए बैठ जाइए, आप बता रहे हैं। हाँ बताइए, एकांश समय में निर्धारित है विस्थापन, बिल्कुल वेरी गुड, बैठ जाइए। ऐसे बताना पड़ता है कि ये दूरी थी, ये देखो आपको कभी भी किसी चीज को फिजिक्स को लर्न करना ही नहीं है, फिजिक्स को आज से बाय बाय बोलना है बिल्कुल, ठीक है। फिजिक्स को आप कठिन समझते हैं, इसी तरह बेस से लेके चलना, और आपको बेस इसलिए नहीं समझ में आ रहा, इसलिए चाव से नहीं सुनना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अभी आपको इंटर की मैथ या हाई स्कूल की मैथ दे दिया जाए, अब ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, लेकिन लगाने में बैठे तो पता चलता है कि नहीं आता। तो यही आप अभी भी देखो, अभी ब्रेक की परिभाषा पूछ रहे थे ना, तो बुरा ना मानिएगा, अभी कोई नहीं बता पाया सटीक परिभाषा, ठीक है ना। सटीक परिभाषा सुनिएगा, कभी याद नहीं करना, क्या क्या याद करनी पड़ता है, अभी तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी आएगी आपकी कोर्स में, ठीक है ना, मैथ भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी पूछी जाती है, बैकलॉग भी पूछी जाती है। तो जब भी कोई चीज बटे में लिखी हो, बटे का मतलब डिनोमिनेटर में लिखी हो, न्यूमरेटर में लिखी हो, तो कैसे परिभाषा बनाना है, परिभाषा बनाने का तरीका सोच लीजिए, पूरी फिजिक्स की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रखी हो तो ऐसे परिभाषा जोड़ना, तीन शब्द जोड़ना, तीन शब्द कौन कौन से, या तो भी एकांक जोड़िए, या तो इकाई जोड़िए, या तो मात्रक जोड़िए, तीन शब्द में से कोई एक शब्द जोड़ के लेके चलना। अब बताइए तीन शब्द में से कोई एक शब्द लेके चलना है जिसमें से आप देखिएगा, परिभाषा बता रहा हूं, या तो एकांक जोड़िए, या तो इकाई जोड़िए, मात्रक जोड़िए, जो आपको पसंद लगे वो जोड़िए, जो आपको सुटेबल बन जाए। एकांक ये समय है, ये दूरी है, ये चाल है, एकांक समय में जो बटे में होती है उसमें एकांक जोड़ना है, एकांक समय में दूरी चला करती है कि रखी रहती है, चला करती है दूरी, जब चलेगी तभी दूरी हमारी तय होगी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या मात्रक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। इसको ये देखिए बेटा, विस्थापन की डिफिनेशन जब हमने अलग बताई है दूरी से, तो फिर श्योर इसकी वेग की डिफिनेशन भी अलग होगी, होगी ना, क्योंकि दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है और वेग आप विस्थापन आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसलिए अब इसी शब्द को फिर से जोड़ के बनाते हैं बेटा, विस्थापन हुआ करता है, दूरी चला करती है, विस्थापन हुआ करता है, विस्थापन कैसे होता है अच्छा बताइए, अभी भी से मैंने बताया नहीं है कि लास्ट डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस इज द डिफरेंस इज कॉल्ड विस्थापन, मतलब अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन होता है। इसलिए
एकांत समय में, समय ये है आपका डिवाइड में, एकांत समय में हुए विस्थापन को, क्योंकि विस्थापन होता है, एकांत समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या मात्रक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। कोई भी शब्द आपको जोड़ के बता देगा, आज के बाद नहीं भूलना है कि आपको चाल किसे कहते हैं, कि वेग किसे कहते हैं। आपको अगर ये चीज लग है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी लग नहीं करना है। इसके कारण आपका दूरी का मात्रक यूनिट अभी मैंने बताया है आपको, बेटा क्या होता है, मीटर होता है, और इसका मतलब होता है प्रति पर, और ये समय का मात्रक अभी मैंने बताया कि एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में दोनों में आपका क्या होता है, सेकेंडरी होता है, तो इसलिए सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, विस्थापन का मात्रक अभी मैंने बताया, जो डिस्टेंस का मात्रक होगा वही आपका विस्थापन का मात्रक होगा, फिर ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर आपसे बीमा पूछे, बीमा भी पूछता है, कक्षा 9-10 में बीमा नहीं पढ़ाई गई थी, सिर्फ मात्रक तक पढ़ाया गया था, कक्षा 13 में बीमा भी पढ़ाई गई है अभी, तो कक्षा 13 के लिए बीमा देखेंगे। अब देखिए मीटर किससे मापते हैं, एल से, तो ये एल हो गया, और समय किससे मापते हैं, टी से, टाइम टी, इसलिए टी हो गया, सॉरी ये टी हो गया। जब टी ऊपर जाएगा तो आप लोग मैच कौन कौन लिए हैं थोड़ा सा बताएं, सभी लोग मैथ वाले हैं आप भाई, तो कोई बात नहीं है, हम मैथ भी लेके चलेंगे। तो आप ये देखिएगा अभी थोड़ा सा पैंट को जो रिवाज चला है, थोड़ा सा समझ रहे ना, जो कहना चाहते हैं, तो वो सिकोड़ने का चला है रिवाज, जो पता चलता लगता है कि वो बड़ा है पहने या किसी का मांगा हुआ पहने, तो इसको हम ऊपर उठाएंगे, तो जब ऊपर उठाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें है ना कमी आती है, तो कमी का मतलब ये हम लोग इनवर्स कहते हैं, हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको जब ऊपर जाएंगे, इसमें जो वन होता है हमें दिखाई नहीं देता, वन एक ऐसा अंक है जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वसत्त रहने वाली चीज को जो बदलने नहीं जा सकती है, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है मन का मतलब। अगर डिवाइड में होगा तो डिवाइड में ले लेंगे, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में ले लेंगे, पावर में होगा तो पावर में ले लेंगे, और भिन्न हल करना होगा तो भिन्न में भी ले लेंगे। इसको ऊपर उठा लेंगे, यहाँ मन लिखा था, लिखा अब आपने जो कह दिया वन लिखा है, लेकिन वन दिखाई नहीं दे रहा तो वन लिखा नहीं जाता, तो इसको ऊपर उठाएंगे तो एनटी की पावर माइनस का वन हो जाता है। ये आपकी चाल अथवा वेग की क्या हो जाती है बेटा, बीमा हो जाती है। कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ निकालना सीखना। मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ, आगे इसकी इंटर में आपने पढ़ा हुआ होगा, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्र को चेंज करना। एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, देख लीजिएगा उठा करके, ये आया था उसमें क्वेश्चन एनडीए में, एक अर्ध को जूल में बदल लीजिए या कितने का होता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वेरी गुड। जिनको लर्न होता है तो लर्न में कर लीजिए, और यदि आपको निकालना आता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर निकालना नहीं, आपको न निकाल करके दिखाना है किसी को, सिर्फ बोला करना है, साफ नहीं करना है। लेकिन साफ कैसे कर पाएंगे, जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको, तो प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसलिए मैं इनको सब बताने का तरीका कैसे पता चलेगा, आप अगर फिजिक्स पहले से पढ़े होंगे तो इनको सबका ज्ञान होना चाहिए ना। अब आता है आपका त्वरण, त्वरण के लिए डिफिशन एक्सेलरेशन बोलते हैं बेटा, हाँ वेग परिवर्तन दर को त्वरण, वेरी गुड, समाकलन का प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे समाकलन के नाम, हाँ तो वेग त्वरण की डिफिशन होती है, त्वरण इज
इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन, अब ये बताइए गाड़ी कोई चला लेता है, कोई भी गाड़ी पे बात करना हो, जब गाड़ी की बात आती है तो क्या होता है, दो पहिया हो चाहे चार पहिया हो चाहे छह पहिया हो चाहे ट्रेन हो, उसमें से आपका वेग परिवर्तन कहते क्या है, तो वेग परिवर्तन ही क्यों लिया गया है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से एक्सीलेटर बनाया, और एक्सीलेटर जैसे टीच माने होता है पढ़ाना, टीच माने होता है पढ़ाना, तो जब ई आर लग जाता है तो पढ़ाने वाला, रीड माने होता है पढ़ना, और जब रीडर ई आर लग जाता है तो पढ़ने वाला है ना, गन मीन्स होती है बंदूक, और जब गन लग जाता है तो बंदूक वाला, ये बताना नहीं पड़ता, ई आर लगा दीजिए वाला वाले, तो अंग्रेजी में आपने सीख लिया होगा। इसी प्रकार से एक्सीलेटर, एक्सीलरेशन से आपका एक्सीलेटर बन गया, अर्थात आपका चाल को बढ़ाने वाला, परिवर्तन करने वाला। तो वेग परिवर्तन का मतलब ये होगा, जब आप गाड़ी घर से चलती है तो क्या 60 की स्पीड में चलती है क्या, अरे कहीं मोबाइल में रुकाएंगे, कहीं कोई जानवर आ जाएगा, कहीं ब्रेक मिलेंगे, ब्रेकर मिलेंगे, तो कहीं आकर 60 की स्पीड से 20 की स्पीड में भी आएगी, और जब 20 की स्पीड में आएगी फिर आप खाली रोड पाएंगे तो फिर 60 की स्पीड में चलेंगे। मतलब ये वेग परिवर्तन का, वेग का यूनिट अभी बताया है मैंने क्या, मीटर पर सेकंड, या तो बड़ा मात्र लेते तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये हुआ कि आप कभी 20 की स्पीड में चल रहे थे, कभी 70 की स्पीड में चल रहे थे, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है आपका, परिवर्तन हो रहा है ना। तो मतलब जब आप चल रहे थे 60 की स्पीड में पहुंच गए तो वो आपका फाइनल प्लास्टिसिटी हो गई, और जब शुरू किए थे आपने तो 20 की स्पीड में किया था तो आपका इनिशियल प्लास्टिसिटी हो गई। मतलब फाइनल प्लास्टिसिटी को वी से नोट करते हैं एंड इनिशियल प्लास्टिसिटी को यू से नोट करते हैं, तो आपका समय डेल्टा टी यहां पर कर देंगे, क्योंकि टाइम भी आपका, अब आपको पहुंचना है गांव, आपको एक घंटे का टाइम कहीं टाइम लॉस हो रहा है तो आपका टाइम बढ़ेगा नहीं, तो वहां पर भी आपका टाइमिंग में चेंजिंग आएगा। क्योंकि आप ये सोचें कि मैं 60 की स्पीड में चलूंगा, 60 की स्पीड का मतलब एक मिनट में 1 किलोमीटर, यही का मतलब ये हुआ, लेकिन आप घड़ी के नाप के देख लीजिएगा कि 60 की स्पीड में चलेंगे तो 60 मिनट में आपके घर एक घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर 60 किलोमीटर होगा आपका घर और 60 किलोमीटर तय करना है तो एक घंटे में आप नहीं पहुंच पाएंगे, वो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जरूर धोखा दिया होगा। धोखा उसने नहीं दिया, आपने उसके साथ धोखा दिया, क्यों, क्योंकि बीच ब्रेकर तो नहीं मिले आपके, जानवर तो नहीं मिले आपके, कितना खिंचाई करेंगे गाड़ी दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा वेग परिवर्तन, अभी डिफिनेशन एक ही लड़के को पता थी तो मैं पूरे लड़कों को बता दूं आपको, एक आम हमें कहा होता है ना बेटा कि डिफिनेशन जब बटे में हो, डिवाइड में हो, डिमीटर में लिखी हो, तो तीन शब्द जोड़ के डिफिनेशन बताते हैं, बेटा आप बताइए एकांक समय में वेग परिवर्तन के दर। बिल्कुल वेरी गुड, बैठ जाइए, समझ में आ गया सबके लगता है, आप बताइए बेटा एकांक समय में वेग परिवर्तन। हाँ वेरी गुड, आप बताइए एकांक समय में वेग परिवर्तन के दर। ये भी सबके समझ में आ गया लगता है, अब तो नहीं भूलेगा। चलिए इसकी हम क्या निकालना है, डायमेंशनल निकालना है, डीमा निकालना है। तो अभी जस्ट इसका सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन हो चाहे खाली वेग हो, चाहे वृद्धि वेग हो, चाहे वृद्धि त्वरण हो, चाहे त्वरण खाली हो, सब एक ही प्रकार होता है। त्वरण का मतलब ये हुआ आपका वेग परिवर्तन, वेग की डीमा भी जस्ट निकाल लेते हैं, ये निकाल समय, और समय की डीमा क्या होती है टी, तो टी ऊपर जाएगा इनवर्स होकर जाएगा, आप जानते हैं घातांक के मूल से ये मैथ का रूल होता है,
तो ये हो जाएगा बेटा एल की पावर माइनस का टू। बोलो यहां तक किसी के समझ में अगर बात ना आई हो तो मैं रिट्राई कर देता हूं, अगर समझ में आ गई होगा तो फिर मैं आगे फिर बढ़ता हूं, ठीक है। नोट तो नहीं करना आपको, कोई बात नहीं, हमारे लिए पाई नहीं मिलेगा, हमारे लिए अच्छी बात ये बात। अब आता है बेटा पर बल की डिफिनेशन, कोई बताएगा क्या नाम है? आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा सही। बराबर के लगभग 4 बजे शुद्धिकरण की बात करता है, चलिए बहुत अच्छा। और कोई इसमें शुद्धिकरण करेगा बेटा, और कोई सुधार करेगा? आप कुछ बोलिए तो। आज से मैं भी पहली क्लास है, मेरी भी पहली क्लास है, ये तो फिजिक्स पहली क्लास पढ़ाई जा रही है। दूसरी क्लास में फिजिक्स पढ़ाई जा रही है क्या? है ना, कुछ तो पता नहीं है। इंटर में फिजिक्स नहीं लिए थे? कलर। हाँ बताइए बेटा। ऐसा प्रकरण जिसमें किसी वस्तु के स्थान को परिवर्तित करते हैं। वेरी गुड, आपकी भी सही बेटा आयुष, दोनों की सही सिद्धम। अच्छा अभी आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, साइकिल में भी आए हुए हैं तो आप शांत, आपकी साइकिल खड़ी होगी जब तक उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी का मतलब कुछ ना कुछ बल लगाएंगे नहीं। अभी मैंने बताया था ये फिजिक्स की डिफिनेशन बताई थी, फिजिक्स वह भौतिक तरीका होता है जिसके बारे में हम प्रकृति के गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक कहलाती है, प्रकृति के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है अध्ययन करना, ये भी भौतिक चल रही है, ये भी प्रकृति की ही देन है। आप सोचेंगे मानव की देन है, तो मानव की देन तो है, लेकिन जब प्रकृति ना होती तो मानव क्या करता है? मानव की तो प्रकृति की देन है। कोयला जो बनता है आपका तो मानव बनाता है क्या? कोयला जमीन से उत्पन्न होता है, पानी भी आपका निचलन देती है तो वो भी आपका, लेकिन हम यहाँ पर चल रहे बल। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर अवस्था वस्तु को, स्थिर का मतलब जो रखी हुई है, जो स्थिर अवस्था वस्तु को गतिमान अवस्था में कर देती है और गतिमान अवस्था वस्तु को स्थिर अवस्था में कर देती है तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक लिया गाड़ी रुक गई, फिर पैदल मारना शुरू कर दिया तो फिर चलने स्टार्ट हो गई, या गाड़ी में है गेयर सिलेंडर दिया, गेयर डाला मतलब गेयर डाले तो बल नहीं लगेगा आपका। आप अभी हैं तो हम इसको या इसको तुरंत उठा लेंगे क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, बल है, लेकिन जब 70-75-90-95 हो जाएंगे तो हम ये स्टूल उठा नहीं सकते। हमारे जो भी बाबा होंगे या दाई होंगे, जो भी आपके भी होंगे पूर्वज, तो वो भी उठाने में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि उनके पास शक्ति छीण हो चुकी है। बल नेचुरलिटी गुण होता है, ठीक है। जितना खाएंगे, जितना अच्छा सब भोजन लेंगे वो उतना ही आपका बल मिलेगा। तो बल की डिफिनेशन समझ गए ना, बल का मतलब क्या हुआ? बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर अवस्था वस्तु को गतिमान अवस्था में कर देता है और गतिमान अवस्था वस्तु को स्थिर अवस्था में ला देता है, कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल को हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। अभी कक्षा 13 की जो किताब है उसमें एक टेंशन पढ़ा होगा आपने, पृष्ठ तनाव, सरफेस ऑफ टेंशन, ठीक है। वहीं से पूरा निशान लगभग शाम में पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो फोर्स तो सरफेस टेंशन,
आप लोग कहा करते मुझे बहुत टेंशन है यार, इसी वर्ष मुझे निकालना है, चाचे से निकालना है, क्या एनडीए निकालना है, चाचे से निकालना है, मतलब ये प्रगति का रूट है, टेंशन दबाव प्रेशर, हिंदी में प्रेशर कहते हैं और तो सर इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, हिंदी में दाब कहते हैं। तो यहां पर फोर्स एफ बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। चूंकि न्यूटन के तीन नियम होते हैं, जो पहला नियम मैंने बता दिया कौन सा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर अवस्था वस्तु को गतिमान अवस्था में कर देता है और गतिमान अवस्था वस्तु को स्थिर अवस्था में कर देता है, बल कहलाता है। दूसरा जो नियम ये होता है कि जो बल होता है, जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, त्वरण और द्रव्यमान एक्सीलरेशन और मास इज द मल्टीप्लाई द प्रोपोर्शनल, दोनों के समानुपाती पर निर्भर करता है। जब समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं तो के आता है, और के यहां पर न्यूटन जी ने वन मान लिया था, तो के इक्वल टू वन, तो एल इक्वल टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो मतलब द्रव्यमान को हम लोग किससे नोट करते हैं बेटा, अंग्रेजी में हम लोग एम को एम से, तो एन हो गया, और त्वरण की डिवीजन ये रखी है कि मतलब डायमेंशनल, तो एल टी की पावर माइनस का 2, तो इसकी डायमेंशनल क्या हो गई बेटा, एम एल टी की पावर माइनस का 2, राइट। बोलो लर्न करना है इनको, लर्न नहीं करना आज के बाद, बिल्कुल लर्न नहीं करना, सिर्फ निकालना सीख लीजिए, लर्न एक भी नहीं करना। अब बल के बाद आता है कार, आपकी किताब में कुछ भी होगा, किताब जो बोले हैं कुछ भी हो सकता है, वो तो हम सीरियल से न चल करके, शायद सीरियल से चल रहे हो, तो कार के डिफिनेशन कोई भी तो बताएगा, बताए पीयूष, कार को हम लोग व्यक्त करते हैं बल गुणे विस्थापन। एक चीज मैं बता दूं आपको, हाँ बल गुणे विस्थापन होता है इसका सूत्र। तो कार दो चीजों में निर्भर करता है, एंगल पर, एक विस्थापन पर, कोण पर, और एक विस्थापन। विस्थापन किस तरह का है आपका, या परपेंडिकुलर है या तो आपका लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है समांतर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, ठीक है। आप शायद बांदा में कितने साल से रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब ये पुल नहीं बना था कौन सा, उस पत्र वाला, अभी नया पुल बना नहीं, उसे नए पुल के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त जब ट्रेन निकला करती थी तो कोई बोझ लिए खड़ा रहा करता था, कोई कुछ लिए खड़ा रहा करता था, उससे पूछा जाए कि भैया तुम काम कर रहे हो क्या, उससे पूछा जाए कि तुम काम कर रहे हो क्या, तो वो कहेगा दिखाई नहीं दे रहा क्या, लिए इतनी देर से खड़ा हूं, और ट्रेन निकल जाएगी तब तो निकलूंगा मैं, और गर्मी का अगर सीजन हो, पढ़ने में एक भी मेहनत नहीं पड़ती है ना, पढ़ती है मेहनत, काम करना पड़ता है मेहनत, अगर पढ़ने में मेहनत ना पड़ती होती तो पसीना न निकलता, पढ़ाने में यदि मेहनत ना पड़ती होती तो पसीना न निकलता, ठीक है। बैठने में मेहनत पड़ती है क्या, सुबह से खाकर आप बैठ जाइए चेयर में, और दोपहर में फिर सोचो तुम यार थोड़ा सा कुछ नाश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा मजा आएगा, दोपहर में फिर खाओगे, शाम को चेयर में फिर बैठ जाओगे, फिर से खाना मांगोगे, वो भोजन कहाँ गया आपका, बैठने में भी आपकी एनर्जी खर्च होती है, कार्य करना पड़ता है, एनर्जी की डिफिजन होती है, कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं।
और यहाँ पर तार की डिवीजन बल पे विस्थापन, जब बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, विस्थापन का मतलब इधर से उधर चलेंगे। तो तार हमारा दो प्रकार से होगा, या तो आपका लीनियर होगा या तो आपका परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा तो कोई कार नहीं होगा, कोई भी कार नहीं होगा, क्योंकि कार को डब्ल्यू से नोट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटे में थे आप पढ़ते रहोगे तो आपके ट्यूशन टीचर सर एस डब्ल्यू लिख के जाते थे, हम पूछते सर एस डब्ल्यू क्या चीज होती है, एस डब्ल्यू होता है एच का मतलब होता था होम और डब्ल्यू का मतलब वर्क, यहाँ पर वर्क, और बल का मतलब फोर्स हो गया। विस्थापन को कोई कोई एस से व्यक्त करता है और कोई कोई डी से व्यक्त करता है, और ये दोनों क्या है, हाँ बताइए ये दोनों क्या है, अरे बिल्कुल सदिश राशियां है बेटा, ये आपका बल क्या है अभी बताया ना, जिसमें हुआ होता है तो जिसमें हुआ होता है वो क्या होती है, आपकी सदिश राशि होती है, और जब दो सदिश राशियां होती हैं उसे जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा बन के बनता है, अभी मैं वो भी बताऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले से रखा हुआ है तो पहले से बताना पड़ रहा है, जब इनको डॉट प्रोडक्ट हटाते तो यह थ्री कॉस थीटा आता है, आप सोचेंगे वेक्टर नहीं लगा रहे, क्योंकि मैं वेक्टर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वेक्टर पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए वेक्टर नहीं लगा रहा था, लेकिन आप कहेंगे कि कॉस थीटा लगा दिया आपने, कॉस थीटा कहाँ से आ गया, इसलिए मुझे वेक्टर लगाना पड़ा, ठीक है। तो जब हमारा अगर परपेंडिकुलर है वो व्यक्ति बोझ लिए खड़ा है, काफी देर से ट्रेन निकल रही है, ट्रेन बहुत लंबी है, 10-15 मिनट लगा दिया पसीना से बिल्कुल भीग गए हो, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, अरे जब लिए खड़ा है बोझ भार तो वो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जब यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू जब भी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, एक नहीं होती बेटा, तो डब्ल्यू इक्वल टू पूरा जीरो हो जाएगा, तो मतलब वो परपेंडिकुलर में चाहे जितने देर लिए खड़ा रहे वो उसका कारण नहीं माना जाएगा। और यदि छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा एक ये डस्टर जो है उठा करके इधर से उधर कर देगा तो उसका कारण माना जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लीनियर में काट दिया है, और लीनियर का मतलब ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू ये लीनियर गया तो थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, तो फिर आपका एफ डी कॉस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी इंटू वन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, यहां से आपका निकलेगा डिफ्रीशन, तो डिफ्रीशन निकल आई आपकी बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। तो बल की विमा ये रखिए बेटा एम एल ए की पावर माइनस टू, विस्थापन देख लीजिए कहीं लिखा है क्या, मतलब दूरी, दूरी की लिखा चुका था क्या मैं पीछे साइड, तो ये आपका इस तरह बंद कर दिया और ये एल कर दिया आपका, अब पूरा में ज्यादा जुड़ती है आपने, मैंने ये बताया एल की पावर एम इंटीरियर एल की पावर एम इक्वल टू एम एल की पावर एम प्लस एम, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी टू की पावर माइनस टू, ये आपकी बेटा धीमा हो जाती है, ठीक है। तो अभी कल आपके मॉक टेस्ट होना है, कल होना ना, आज बन के पेपर चला जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा आपको वहीं से मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए आप लोग लर्न कर लीजिएगा इनको, हाँ इरेज कर दीजिए सर, कैसे सर, और कुछ मुझसे नहीं जाएगा, मुझसे हमसे कहा गया कि टेस्ट होगा ऑप्शन होगी, ठीक है, इसलिए आप जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कुछ अतिरिक्त भी दिया जाएगा, ये ना समझिएगा कि अतिरिक्त क्यों दिया गया है, हाँ अब आ जाता है आपका गति ऊर्जा,
इसकी दिमाग कैसे बताएंगे, इसकी दिमाग क्या होती है? कोई भी अंक होता है, कोई भी डिजिट नंबर डिजिट होता है, उसकी कोई भी दिमाग नहीं होती है। सिर्फ सिर्फ आपके जो ये मास हो गया, बेग हो गया, ग्रैविटी हो गई, राशियों की बीमा होती है, इतना ध्यान दीजिए। तो ये हो जाता है एम को एम से ही, और जो बेग की बीमा अभी इरेज कर दिया है, और कितने लोगों को अभी लर्न हो गए ये देखते हैं कि उस आप बताइए उधर आपसे कह रहे बेग की बीमा बतानी है। अभी तो जस्ट बताया है और प्रेजेंट पार्टी एब्सेंट वन, आप बताइए उधर नहीं, सिर्फ बेग की बीमा बता रही है। तो ये होगा बेटा एल टी की पावर माइनस वन। अब पावर लगा दो ऊपर देख लीजिए, तो पावर लगा दिया यानी हिंदी में कहते हैं घात। आपको बेटा थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, सॉरी बोल रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आप इंटर में साइंस नहीं लिए रहे, ठीक है? तो थोड़ा समझने में देर लगेगी, थोड़ा समझने में देर लगेगी ना। अब आप ही बताइए, नहीं तो ये हाँ, लेकिन फिर भी मैं इनसे पूछे कि मैं जीरो लेवल से चल रहा हूँ, पूछ लीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लेकर के, ये नहीं पता है कि कौन आर्ट हो रखा है, कौन साइंस हो रखा है, कौन वो है, इसलिए मैं जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। तो कुछ जो पढ़ के आए होंगे उनके पूरा ये हो रहा है, मुझे कट नहीं पड़ रही, मुझे सब आता है, ठीक है? तो आप ये ना सोचिएगा जो पढ़ लिए हैं, हम जीरो लेवल से इसलिए चल रहे हैं कि सबके समझ में आते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा जब आपके पास, फिर नोट कर लीजिएगा आप नोट करते क्यों नहीं चाहते, पर आप पता नहीं नोट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, उनको तो उनके चक्कर में रहिए जो मतलब नहीं नोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटर से पढ़ के आए हुए हैं। अब आप मैथ का रूल ये होता है बेटा, अगर आपका ए की पावर एम हो और होल की पावर एन हो, पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए की पावर या इंटीरियर है, ये हो जाएगा बेटा, समझ में सब क्या रहे? आप बेटा चेक लीजिए, अगर ए की पावर एम हो, होल की पावर एन हो, तो ये एम की पावर एक क्वेश्चन आपका नीट में 2020 में पूछा गया था, सेम वेक्टर ऑफ डायमेंशनल, उसमें विकल्प में लिखा था एनर्जी, बी नंबर में वर्क एंड थर्ड नंबर टाइम क्यू, और बी नंबर में एनओपी नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसमें कुछ बनाने दूसरा का शायद कोर्स है। पहला ये चैप्टर आप खोलेंगे अरिहंत प्रकाशन की, देखिएगा उठा करके। तो अब ये बताना था आपको, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बीमा समान रखती हो, जिनकी बीमा समान रखती हो। नहीं क्वेश्चन समझ में आया अभी आपके? आ गया। तो आपके वर्क है और टर्क्यू, टर्क्यू मीन्स होता है बल आपकी, ठीक है? कुछ टाउन, बिल्कुल बिल्कुल टाउन से डेट करते हैं,
अब आपकी बात आती है स्थितिज ऊर्जा MgH, वेरी गुड, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से रिलेक्ट करते हैं, U इक्वल टू होता है MgH। अब आप देखेंगे थोड़ा सा नया मोड बन के आ रहा है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए नया मोड बन गया। M होता है मास द्रव्यमान, G होता है वृत्तीय त्वरण, अवृत्तीय त्वरण का क्या होता है, त्वरण कब लगता है, वृत्तीय त्वरण कब लगता है, हमारे मोशन ऑफ इक्वेशन क्या बताया जाए, सभी जगह नाचना पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए थ्री इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन और होता है, शायद चौथा इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा आपने, शायद पढ़ा हो लेकिन याद नहीं है, याद दिलाने के लिए बता दूं आपको, फर्स्ट इक्वेशन होता है आपका v इक्वल टू u प्लस ag एंड दूसरा होता है s इक्वल टू ut प्लस ag स्क्वायर एंड थर्ड होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और फोर्थ क्या होता है, आइंस्टीन समीकरण की बात कर रहे हैं हम, मोशन ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एस इक्वल टू होता है या एस टी इक्वल टू होता है आपका यू प्लस वन बाय टू ए टू डी माइनस वन, अगर यहाँ पर एन ने दिया होगा किसी बुक्स में तो यहाँ पर u प्लस वन बाई टू ए, यहाँ पर टू एन माइनस का वन ये लिया होगा, ये चौथा इक्वेशन होता है मोशन ऑफ इक्वेशन। क्या क्या होते हैं ये होता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में भी, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, तीन प्रकार से पढ़ाया गया होगा, कक्षा 9 में दो प्रकार से पढ़ाया गया होगा, एक तो आपका लीनियर से पढ़ाया गया होगा, एक आपका ग्राफ से पढ़ाया होगा, पीयूष क्या ना पीयूष ना, तो एक तो दो प्रकार से पढ़ाया गया होगा, एक तो लीनियर से एक आपका ग्राफ ही से, लेकिन कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा अवकलन से अथवा समाकलन विधि से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया होगा, लेकिन ये बताया गया है लेकिन याद नहीं आपको, ये उस वक्त के लिए है जब टीमर सेकेंड में चली गई दूरी या एनवे सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला होगा, ठीक है। तो मतलब ये सब अभी क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें से दो टाइप्स के हो जाते हैं, अगर आपका कोई ये मार्कर है जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो वहां पर लीनियर इक्वेशन नहीं बनता, वहां पर आपका लीनियर एक्सलेशन नहीं बनता, वहां पर आपका वृत्तीय त्वरण बनता है, ग्रेविटेशन बनता है। तो मतलब यहाँ पर बन जाता है जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो फिर आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी और इसमें चलेगा h इक्वल टू, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे तो हाइट कम रही तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड फिर क्या बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी प्लस, ये कब के लिए, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब के लिए, ये नीचे से ऊपर की ओर सभी जगह प्लस काम करेगा लेकिन जी रहेगा एक ही जगह, ए इक्वल टू लेकर रखा जाएगा जी और एस इक्वल टू रखा जाएगा एच इस मोशन में। अगर बात की जाए आपसे ऊपर से नीचे की ओर तो जब ऊपर से नीचे की ओर रखा जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओ तो क्या हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे की ओर तो आपका ए इक्वल टू होगा बेटा माइनस जी और एस इक्वल टू आपका एच ही रहेगा। इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी एंड h इक्वल टू यू टी प्लस
प्लस प्लस ये लगेगा, जब अब यहाँ पर माइनस जी रखा जाएगा ना तो माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। आपको अगर लीनियर वाले पता है तो ये आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो ये सब चीजें क्यों बताया गया है आपको, इसको बताने के लिए, गुरुत्वीकरण, इसको कहते हैं जी को गुरुत्वीकरण कहते हैं, चाहे त्वरण हो चाहे गुरुत्वीकरण हो उसका सबकी बीमा वही होती है जो त्वरण की होती है। तो एम की बीमा क्या बनेगी, एम ही रहेगी ना बेटा, और गुरुत्वीकरण तो त्वरण, तो त्वरण की बीमा आप बताएंगे बेटा क्या नाम है, हेलो आपका नाम वीरेंद्र दीक्षित, अच्छा वीरेंद्र जी बताए जी की बीमा बतानी है, मैं बता चुका सब जी को क्या कहते हैं, नहीं बताया बताएं वीरेंद्र कि जी की बीमा क्या होती, और सब पूरा बताया है आप बताइए बेटा अगर समझ में कुछ आया हो तो। वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हैं, लेकिन समझ में तो आया, जब वर्ग नहीं है तो फिर भी कुछ पकड़ रहे हैं, बताइए बैठ जाइए, लेकिन आप साइंस वर्ग के होने के बावजूद कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत मारेंगे फिर सिद्धांत। तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस, वेरी गुड, एल टी की पावर माइनस टू, आप सोच रहे हैं कि क्या मतलब गया क्या, अगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अब क्या कह रहे हैं, माइनस वन ही कहना चाहते हैं क्या, टू बाई टू कहना चाहते हैं, तो एल टी की पावर माइनस टू बेटा, और एच की बीमा क्या होगी बेटा आप बताएंगे, हाँ अरे वेरी गुड एच की बीमा हो जाएगी एल, क्योंकि जो लंबाई होगी चाहे ऊंचाई ले लीजिए चाहे ब्रिज ले लीजिए चाहे हाइट ले लीजिए वो तो इंची टेप से मापी जाएगी ना, मीटर से तो मापी जाएगी ना, तो एल अब इसका मतलब कितना करा लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये आपकी बीमा हो जाएगी। बोलो समझ में आया ना, निकालना अगर आपको आ रहा है, सच में कह रहा हूँ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, मेरा अनुरोध ये है आपसे कि आप निकालना सीखिए, रखने की कोशिश न करिए। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट इजी मैथ भी नहीं, आप मैथ भी तो आएगी आपकी ना, आप रोक बन लीजिए, आपके लिए तो ये पढ़ाया जा रहा है, तो इंटर निकल गया तुम्हारा इसी वर्ष, कुछ क्लास 11 की थी, 11 सर क्लास ही रहा था, आप सर ये पढ़ाते हैं, अब मैं यह नहीं पढ़ाता, जब मैं भावों के साथ में पढ़ाता था मेरी क्लासेस कब तक चलेंगी, कोचिंग पढ़ाते हैं, हाँ कोचिंग पढ़ाते हैं, अभी कुछ ना बताया कि मेरी मोबाइल चल रहा है, इन्हें कर दें समझ बात आ गई ना, आगे थोड़ा सा बता दें नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी पता है, वो तो उसमें आ जाएगा, हाँ उसमें आ जाएगा, व्हाट्सएप में आप भी जुड़े होंगे ना उसमें, जी सर इरेज कर देंगे ना विवेक दीक्षित जी, मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं आपसे तो जी लगा देते, मतलब ये है कि रोटी में घी लगाने से और नाक के पीछे जी लगाने से थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ तो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हम आपको सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बड़ों से ही छोटे सीखते हैं, जब हम ही ना आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आप कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, इनेज कर दीजिए बेटा आगे बढ़िए, देखिए
हिलता हुआ, थोड़ा सा हिलता हुआ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप वहां पढ़ा रहे हैं समझ लीजिए, वो सब पढ़ चुके हैं। ताऊ बराबर होता है इनका बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये डेफिनेशन होती है आपकी। बल गुण के कई ऐसे उदाहरण बताए गए थे आपके जब कक्षा ग्यारह में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। कुम्हार का चाक होता है, हैंडपंप होता है, ये सब आपके डेफिनेशन उसी में आते हैं। अगर हैंडपंप नहीं होता, अगर आपका देखिए ये हैंडपंप होता है और इसमें ऐसे लगा होता है गंगा का, तो ये हत्था होता है इसमें। अब इस हत्थे को यही क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि जितनी बल से जितनी दूरी होगी लगभग उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा, जिससे वर्क ज्यादा होगा। तो हमें ज्यादा उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, हमें उतना पढ़ना है जितना की परीक्षा हमारी हाइट हो जाए। हमें मेन फोकस करना है कि हमारी परीक्षा हाइट हो जाए, चाहे आप सब जो भी पढ़ाइए, लेकिन ये पढ़ाइए कि हमारा परीक्षा हाइट हो। तो बल क्या होता है, बल की डिफिनेशन बता भी चुके हैं, बीमा भी बता चुके हैं। तो इसकी बीमा जस्ट अभी बताया है L^-2, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो चाहे खाली दूरी हो वो हमेशा L ही होती है। तो L^2 का तो देख लीजिए कौन कौन सी, अभी आपकी समान बीमा मैंने बता दिया, एक तो कार की बीमा बताई समान, एक तो गतिज ऊर्जा की बताई, एक तो स्थितिज ऊर्जा की बताई, एक तो आपकी बल की बताई। मैंने चार डायमेंशनल ऐसी बताई है जो समान है। और समझ लीजिए क्वेश्चन भी देखो, फिर कोण होता है, कोण बराबर कौन बताया क्या बता, अरे वेरी गुड, कोण बराबर होता है 4/3 और 4 कठर। 6-7-8 में देखा गया ऐसी पढ़ाई गई थी, शायद आपको ना पढ़ाई गई हो लेकिन फिर भी पढ़ाई गई होगी। आपको कहा जाता था पटरी और प्रकार की सहायता से 45 अंश का, 22.5 अंश का, 35 अंश का, 65 अंश का, 75 अंश का, ऐसे कोण बनाइए 135 अंश का। तो आप एक लीनियर लाइन खींचते थे, प्रकार रखते थे, प्रकार में आपका यू लगाते थे, आपसे अगर 60 डिग्री कह देता था यहाँ पर प्रकार क्यों करते हैं, यहाँ चाप लगा दिया करते, 60 डिग्री बन गया, मिला दीजिए 60 डिग्री बन गया, बिना नाम में 60 डिग्री बन जाता। तो चाप, तो चाप आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जितना मैपिंग करेंगे आप तो भी पटरी की सहायता से मैपिंग करेंगे तो सेंटीमीटर में, मतलब चाप का मात्रक भी सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, यानी इसका भी एल होगा। त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, तो ये आपकी त्रिज्या के लिए एल हो गई। तो एल एल आपके अभी जस्ट मैंने बताया, अगला गुणा में घाते तो जुड़ती हैं लेकिन भाग में घाते घटती हैं। a^n^n तो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो ये हो जाएगा L^(1-1) और ये हो जाएगा L^0। और नोट कर लीजिए हिंदी में, जिसकी घात जीरो, जिसकी घात जीरो उसका मान एक होता है, उसका मान एक होता है, ठीक है। तो मतलब इसका मान एक होता है, अर्थात कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती। अब आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को किससे नोट करते हैं आपको बताएगा, कैपिटल जी से। हम जीरो की पावर जीरो को मानते हैं, जीरो की पावर जीरो,
पहली बात तो आपका इसका भी वन होना चाहिए, लेकिन इसका वन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो आते थे ये जीरो, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब आपका उसका विस्तार नहीं कर सकते, बंधन नहीं हो सकती, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण कक्षा 11 भी आपने पढ़ा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण लॉ, ग्रेविटेशनल ऑफ न्यूटन्स लॉ ये पढ़ा है आपने, तो आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ा भी दूं, और आपको अभी मैंने कहा है कि कुछ भी रखना मना है तो रखना नहीं है। सबसे पहले मैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बता दूं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, दो पॉइंट है आपके M1 एंड दूसरा पॉइंट है आपका M2, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो है आपके बेटा R, और इनके बीच एक जो फोर्स काम कर रहा है बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल F। यहां पर अब ना तो हम लोग आकर्षण बल कहेंगे और ना ही प्रतिकर्षण बल कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, और वो आपका कूलाम्स लॉ होता है जो आप सोच रहे हैं कि आकर्षण प्रतिकर्षण जोड़ा जाता है। अच्छा, 12 की पहली चैप्टर में पहला ही आपका लिखा हुआ है, तो इसके लिए बेटा फार्मूला बता दूंगा तो बहुत जल्दी आपको नज हो जाएगा। तो इसके लिए यह समानुपाती होता है M1 M2 upon R, मतलब कोई दो पिंड, पिंड मतलब पार्टिकल, कोई दो पिंड M1 और M2 R दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हो, तो बल F दोनों द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती, जब नीचे कोई राशि लिखी होती तो विद्युतमान बालक होता तथा दूरी के रेसिप्रोकल तथा दूरी के बल के विद्युतमान पाती होता है। तो मतलब अगर फार्मूले आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रटना मना है फिजिक्स को, तो इसके लिए जब समान बाधित चिन्ह हटाएंगे कैपिटल जी आएगा M1 M2 upon R square, हमें निकालना है कैपिटल जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका FR square is equal to capital G M1 M2, तो कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा FR square upon M1 into M2, मतलब कि इसके लिए निकला कैपिटल जी इक्वल टू FR square upon M1 into M2, तो कैपिटल जी इक्वल टू बल की विमा अभी जस्ट बताई गई है, आप बेटा बताएंगे। हाँ, आप दीक्षित जी आप बताएं, MLT minus 2, ठीक है, लेकिन आप बेटा समझिए, ठीक है, कहाँ से जाते हैं, बैठ जाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए और हमारी बात को ध्यान दिए लेकर पढ़िए, ठीक है। हम कह जरूर दिए कि बहुत मारेंगे, लेकिन मारेंगे थोड़ा कम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि बिन भय होए न प्रीत, कहीं लिखा है मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है, आप समझदार तो थोड़ा सा वैल्यू दिखाना ही पड़ेगा, फिर आप इतने समझदार हैं, आप नौकरी करना है, आप ये समझिए कि हमें फाइट करना है किसी प्रकार से भी इसी वर्ष, तो हमारी बातों को थोड़ा सा केयर करके सुना करें, इतनी दूर से आते हैं। तो बल की विमा अभी जस्ट बताया गया ये ML to the power minus 2, और ये R है आपका, R मतलब यहाँ पर दूरी बताया है, और दूरी की विमा
एल होती है, शुरुआत में बताई थी कंडीशन, तो एल तो यहाँ पर पावर टू लगा हुआ है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, चाहे एम वन हो, चाहे एम टू हो, चाहे एम थ्री हो, सबकी बीमा क्या होती है, एम होती है। तो यम एम बेटा, एक एम से एम आपका कैंसिल आउट हो गया, तो इस यम के ऊपर आपका पावर वन लिखा है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ है तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर लेके जाएंगे हमेशा, तो एम की पावर माइनस वन, और एल और एल अभी मैंने बताया गुणा में घाते जुड़ जाती है बेटा, तो एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस का टू, यही आपकी क्या हो जाती है बेटा, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की बीमा, कैपिटल जी की बीमा हो जाती है। बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, अरे कैपिटल जी के बारे में फार्मूला है जी बेटा, कैपिटल जी का फार्मूला निकाले, ये कैपिटल जी का हमने बीमा निकाली है फार्मूला बनता है, इसके यहां से मात्रक भी निकाल लेंगे, इसका इसका मात्रक बनेगा, इसका मात्रक देखिए समझ लीजिए, किलोग्राम प्रति प्रति किलोग्राम, मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी सकते किसकी बेटा, फिक्स है बेटा, कैपिटल जी का मान होता है 6.67×10⁻¹¹ ठीक है, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल जी का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है 9.8 होता है या 9.81 होता है या 9.8 ये जीरो होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, और कभी कभी मिलीमीटर में 10 भी दे देता है, कभी कभी मिलीमीटर में 10 भी दे देता है, तो आप ये ना समझिएगा स्मॉल जी का वो मात्रक क्या होगा, स्मॉल जी का एमएस पद्धति में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, अगर आपका सीजीएस पद्धति में कहा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, इसलिए हाँ ये होगा सर, एकदम किसको बोलते हैं, टाइम हो गया